काकास कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा निमाड़ का अपना स्वाद। अंबाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी, दाल बाफले और तमाम स्नैक्स जैसे सैंडविच, चाइनीज और तंदूरी चाय। तो चले आइए हमारे पते पर, इंदौर रोड, खंडवा। महादेवगढ़ में सावन के अंतिम सोमवार को मुस्लिम समाज से दो युवतियों ने घर वापसी की एवं सनातन धर्म अपनाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ कर आरती में भाग लिया। महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सावन के अंतिम सोमवार को दो मुस्लिम युवतियों ने हिंदू युवकों से विवाह कर सनातन धर्म अपनाया है। इसके पूर्व भी कई अन्य लोग अन्य धर्मों से घर वापसी कर सनातन अपना चुके हैं। यहाँ पे हिंदू धर्म में जैसे कि मिट्टी में भी प्राण डाले जाते हैं, और जो कि मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे कोई हिंसा नहीं होती है, एक बात ये भी है, सो इसलिए मैं यहाँ हिंदू धर्म में अपनाया है। देखिए, अभी सामने तो आपको दो ही दिख रही है, और अभी डेढ़ माह पूर्व भी एक ब्रह्मपुर की बहन यहाँ से जो है घर वापसी करके गई है, और महादेवगढ़ से ऐसी सैकड़ों बहनें जो कि उनके धर्म में हिंसा से पीड़ित थी, धर्म के आचरण से पीड़ित थी, उन कई बहनों ने अपने अपने हिंदू वर चुने, और चूंकि उन्हें महादेव से एक विश्वास था, इसलिए महादेवगढ़ पर, जैसा आपने ये अभी देखा, नरसिंहगढ़ की जो बहन है और नरसिंहगढ़ का दीपक, मतलब हमारा इनसे कोई संपर्क नहीं, पर इनका अचानक महादेवगढ़ आना होता है और कहना होता है कि भाई साहब हमारा विवाह यहाँ पर करवा दो। और गदर टू की सकीना नहीं है ये नरसिंहगढ़ की सकीना से जो ये शालिनी बनी, और शालिनी बनने के बाद ये भी बहुत यहाँ प्रसन्न है। दूसरी हमारी बहन क्या नाम निकिता भी जो है वो यहाँ पर काफी प्रसन्न है यहाँ पर आकर। तो यहाँ तो ये दरवाजा भोलेनाथ का है, ये दरवाजा खुला है, जो आएगा सो पाएगा। इसलिए सनातन धर्म में सबका सम्मान है, सब आए घर वापसी करें। कई बहनों को तो स्वप्न में भी भोलेनाथ आते हैं, कई बहनें बोलती है कि हम नवरात्र के त्योहार में परिवार वालों से छुप छुप के जाते थे, वहां आरती करते थे, फिर हमारे मन में हिंदुत्व जगा, सनातन के प्रति स्नेह जगा, प्रेम जगा, और हमने उचित सनातन धर्म का हिंदू वर ढूंढा और यहाँ पर आई, और यहाँ पर उनको हमने जो है पूरी सुरक्षा की भावना से, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये बहन एक वर्ष रही यहाँ महादेवगढ़ के समस्त हजारों लाखों भक्तों के बीच में, पर सुरक्षित रही, आज ये अपने घर है, प्रसन्न है, और सभी आए और सनातन धर्म के साथ जो है अपनी घर वापसी करें, यही मेरा संदेश है। रुद्राक्ष का जैसा बताया उत्तर मुखी